और नाज़रीन, यहाँ को स्टोरी इस तरह की है कि ये आपका कहलाता है करीमाबाद, यानी ये हंजा से भी तकरीबन 10 किलोमीटर आ गया। और हमारे अब्बा जान ने हमें यहाँ पे उतार दिया कि तुम बहुत मोटे हो, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी है, तुम पैदल आओगे ऊपर। तो हम आपको दिखाते हैं अपनी हालत। ये है हम वहाँ से, नहीं खैर बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ से रोड स्टार्ट होती है हम वहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। इन कहेंगे जिस जगह पे मैं ठहरा हूँ उसकी खासियत ये है कि अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ तो तकरीबन 500-600 मीटर पे, शायद 500 मीटर भी थोड़ा ज़्यादा है, आपका सरीना होटल आता है जो सरीना की एक ब्रांच है। देन जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर सारी आपकी पार्किंग आती है, ठीक है। एंड दिस इज़ द पार्किंग दैट दे ऑफर, दिस इज़ द व्यू आपकी पार्किंग का। और वो सामने आपको बल्तिस फोर्ट दिखती है, बल्तिस फोर्ट। और इनकी सिग्निफिकेंस ये है, दिस वाज द फर्स्ट इन करीमाबाद, ये यहाँ का सबसे पहला इन था। ओके, सो दिस इज बेसिकली इन, द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन 6 रूम्स एंड दिस इज़ द व्यू दैट इट ऑफर्स। फ्रंट का व्यू सारा, बेसिक एंट्रेंस ऑफ द इन, एक 6 रूम पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी विद ऑल द एमेनिटीज दैट यू कैन थिंक ऑफ। सामने जो चेयर्स वगैरह रखी हुई, टेबल्स वगैरह रखी हैं, वो भी दिख सकती है आपको। सेकंड यहाँ का व्यू, ओके, ये टोटल फ्रंट आ गया, दिस इज़ द, लाइक दिस इज़ द फ्रंट। The third thing that this inn provides you is a great view. कि जिस जगह इन्होंने गार्डन बनाया है, लाइक उसके बिल्कुल सामने आपको राकापोशी की बैक साइड और ये हंजा के जितने पहाड़ हैं उन सब का व्यू आपको दिखता है। बिकॉज बेसिकली हंजा से करीमाबाद जो है इट इज़ लाइक अबाउट, थोड़ा ऊपर ही है आपको, यानी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आपको हाइट चढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप आते हैं। तो सरीना की बिल्कुल बैक साइड पर ये होटल विद अ ग्रेट व्यू। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेब के दरख्त हैं, हवा लाइक बहुत तेज़ी चल रही है इस वक्त। और ये दीवार जो बनाई गई है बेसिकली इस व्यू की वजह से इन्होंने नीचे लेके, बिकॉज करीमाबाद में यू डोंट हैव द सिक्योरिटी इशू ओवर हियर, सो दैट्स द पार्किंग ओवर देयर। सामने करके मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, दिस इज़ लाइक द रोड जो आपके आगे गाँव में जाती हैं, दिस इज़ द ग्लेशियर, लाइक ये बहुत ठंडा पानी है, आप इसमें 20 सेकेंड्स आप हाथ ज़्यादा इसमें नहीं रख सकते। एंड दिस माई फ्रेंड इज द व्यू। वो राकापोशी की बैक आती है और दिस इज बेसिकली द व्यू। सो इट्स लाइक अ वैली विद नो वाटर डाउनस्टेयर, क्योंकि पानी आपका जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पर आता है। और यहीं से अगर आप थोड़ा ऊपर जाएं तो आपको अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट और ईगल नेस्ट भी आपको यहीं पे मिलेगा। और ये आपका तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये तीनों व्यू पॉइंट्स जो हैं आप एंजॉय कर। 2 बेड, ठीक है, विद अ ग्रेट व्यू, यहाँ से आपको डायरेक्ट आपके जो है माउंटेन व्यू नज़र आएगा। 2 बेड हैं, एक वार्डरोब दी हुई है सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉल वार्डरोब। और लाइट वगैरह का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पानी का इशू नहीं है, ठीक है, फिल्टर पानी है यहाँ पे, जिस तरह मैंने बताया 24/7 यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की सहूलत है। थर्ड रूम है जिसमें 2 बेड, एक वार्डरोब, यानी 2 बंदों के लिहाज से अच्छा रूम है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम।
अगेन जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं सब चीज़ें, इवन द बेड शीट्स, द पिलो, द ब्लैंकेट, इवन द स्लीपर ओवर देयर इज सैनिटाइज्ड। एंड दे क्लेम कि जिस तरह से इस वक्त हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के लिहाज से, वो एक डोर हैंडल से लेके आपके एक वॉशरूम की स्लिपर्स भी हो गई, उस सब को सैनिटाइज किया जाता है और उसको अगले बंदे के लिए इस हर हर यूज किया एस्पेक्ट जाता से वॉशरूम सैनिटाइज है, कोविड के सारे SOPs फॉलो करते हुए। पानी की यहाँ पर ठंडे और गर्म की 24/7 आपकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और है। दीज आर द वॉशरूम्स। डबल बेड के साथ जो रूम है, लाइक फॉर टू पीपल और कपल, यहाँ भी सेम उसी तरह का आर्किटेक्ट रखा हुआ है कि यहाँ से आपको व्यू भी नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ जो चीज़ इस वीडियो में देख रही है सब कुछ शेयर माय सैनिटाइज्ड है। एक्सपीरियंसेस जो इन पास 6 डेज़ में मैंने गुजारे हैं, वो सब मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक छोटी वीडियो में, एक छोटे से टाइम स्पेंड में आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहले लोकेशन 0 पॉइंट के बिल्कुल करीब है, सरीना की बैक पे है। सरीना बीइंग अ ग्रेट होटल इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री, बहुत अच्छा होटल, बट विद नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड दैट होटल। उसके लिहाज से अगर आप इन बैकवर्ड होटल्स पे आते हैं तो ये भी आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, एंड आई विल लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द फूड ओवर हियर, आपको क्वालिटी फूड मिलेगा और रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, दैट्स अ श्योरिटी। आदर आप यहाँ खुद बनाना चाहें, ठीक है, दैट्स एन ऑप्शन, या आप बाहर से मंगवाना चाहें, वी हैव लाइक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। देन जो चीज़ आपकी आती है वो आपकी ये आती है कि यहाँ पे इस जगह पे रहते हुए होटल के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपके 3 व्यू पॉइंट्स आते हैं। अलतैद फोर्ट आता है, बलतैद फोर्ट आता है, और आपके पास आता है अपना सॉरी ईगल नेस्ट आता है, ठीक है, जो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। थोड़ा सा दूर जाया जाए, आप यहाँ से करीमबाग से नीचे उतरें, आप खुंजवा की रोड पकड़ें, और आप तकरीबन 20 मिनट के अंदर विद इन अ ड्राइव ऑफ 20 मिनट्स यू विल अराइव टू अताबाद झील। सो वो भी लाइक ए टूरिस्ट स्पॉट के लिहाज से काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेंस अपने अंदर रखती है। देन वी हैव द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इश्यूज लाइक इसके सुनने में इस तरह से कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे मसला हुआ, इट्स लाइक अ पीसफुल एरिया ओवर हेयर, कोई इस तरह का मसला नहीं है। एंड सरीना इज सर्वाइविंग ओवर हेयर, सो लाइक उन्होंने मार्केट रिसर्च की होगी इस चीज़ पे, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बड़ा बिग एस्पेक्ट। देन वी हैव द कोऑपरेटिव स्टाफ, यानी जितना मेरा स्टाफ के साथ इंटरेक्शन रहा है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। लाइक मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक मैं घर से बाहर हूँ या फिर मुझे कोई उनके पीछे भागना पड़ रहा है, बिकॉज हैविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्मॉल प्रॉपर्टी आपको टाइम बहुत दे देते हैं। अब ये बेसिकली जो होटल है इट इज़ बेस्ड ऑन 6 to 7 होटल्स विद ऑल द एमेनिटीज, और लाइक स्टाफ आपको अच्छा टाइम देगा। देन वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको मार्केट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा इन वॉकिंग डिस्टेंस, यानी तकरीबन 2 मिनट की आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसके बाद आपका आता है फ्री पार्किंग, चूँकि मैं खुद मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है हॉस्पिटैलिटी के अंदर, एंड आई एम प्लानिंग माई मास्टर्स अपनी फर्दर इसको कंटिन्यू करने के लिए, एंड बट आई हैव डन इन माई रिसर्चेज कि ये आता है कि आपकी एक अच्छे होटल के लिए आपकी पार्किंग एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। तो ये आपको एक अच्छी पार्किंग देते हैं, सिक्योर पार्किंग देते हैं, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मैं वो ऑब्वियसली वो जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, गाड़ी मेरी जगह पे खड़ी हुई है। देन वी हैव द थीम, थीम क्या रखी हुई है कि इन्होंने अपने जो यहाँ कल्चर है उसके लिहाज से अपनी कल्चर को अपने होटल के अंदर सेव किया हुआ है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट होटल ऑफ करीमाबाद, तो लाइक उन्होंने उसी के लिहाज से मेंटेन किया हुआ है। रिसेंटली इन्होंने सारा चीज़ें अपनी रिफर्निश की हैं, इनको रेनोवेट किया, और इसको उसी के लिहाज से अपने कल्चर वैल्यूज रखते हुए इसको रेनोवेट किया है। 25 लोगों की कैपेसिटी के साथ लाइक एक रात में यहाँ पर 25 लोग रह सकते हैं, और पानी वगैरह का कोई मसला वगैरह नहीं है, पानी वगैरह भी आप लोगों को सुकून से मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कोविड-19 जिस पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं, जो फेज़ है, जो पेंडेमिक हम इससे फेस कर रहे हैं, उसके लिहाज से द होटल इज़ क्लेमिंग, और जो मैंने चीज़ खुद देखी है कि आपकी ईच एंड एवरी थिंग दैट यू सी इन अ होटल इज़ सैनिटाइज्ड, जिस चीज़ से आपका ह्यूमन इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी सैनिटाइज ओवर हियर। होटल वाले
जैसे गली और कुछ